IDTV presents. उत्तरी दिल्ली के महापौर अवतार सिंह ने आज नागरिक सुविधाओं का जायजा लेने के लिए मॉडल टाउन क्षेत्र का निरीक्षण किया। अवतार सिंह ने आज पहले निगम राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के छात्रों को सम्मानित किया। केजरीवाल द्वारा दिल्ली में बढ़ती हिंसक घटनाओं पर काबू करने में पुलिस को असफल और लोगों में भरोसा पैदा करने में नाकाम बताते हुए किए ट्वीट पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस अपने पूरे दलबल के साथ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात काम कर रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हिंसा की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन उनसे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया। हिंसा को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में आज बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस ने आज दिल्ली हिंसा का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। संशोधित नागरिकता कानून को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भड़की हिंसा में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने कहा कि अगर भड़काऊ भाषण देने पर FIR दर्ज नहीं होगी तो ऐसे भाषण बढ़ते ही जाएंगे। दिल्ली में CAA समर्थकों और विरोधियों के बीच भड़की हिंसा को देखते हुए CBSE ने 27 फरवरी को होने वाली 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा टाल दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बिगड़े माहौल में अब सुधार हो रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च लगातार जारी है। अब कहीं भी आगजनी और पथराव की घटना नहीं हो रही। हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में आज फोर्स नारायणपुर में अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गई। यहां एक एक कर नक्सल कैंपों और स्मारकों को ध्वस्त किया गया। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने से 28 फरवरी से 1 मार्च तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और हिमपात होने की संभावना है। ये है DID में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।